हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन एकेडमी यूजीसी नेट। दिस इज सिमरन नागराय, योर इकोनॉमिक्स एजुकेटर। आज अपन बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी की, फी रेनीस की थ्योरी, जो बहुत सारी डिमांड आ रही थी बहुत सारे स्टूडेंट से कि किस तरीके से अपन को उस थ्योरी को लेकर चलना है। इट इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ लुईस थ्योरी। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट इन द अर्लियर सेशंस। सो गाइज, इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, वी आर ऑन अन एकेडमी। वेनसडे को अपन को इम्पोर्टेंट सेशंस देखने को मिलते हैं और आपको प्रोमिनेंट टॉपिक डिस्कशन देखने को मिलते हैं। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कम ऑन दी वेनसडे वाला सेशन, एंड आप अपने रिक्वायरमेंट्स भी पुट ऑन कर सकते हैं फॉर द सेम। आई हैव डन माय इकोनॉमिक ऑनर्स फ्रॉम जयपुर, डिड माय मास्टर्स फ्रॉम मुंबई, एंड जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माय मास्टर्स आई हैव स्टार्टेड वर्किंग इन वेरियस कॉलेजेस फॉर वेरियस स्ट्रीम्स। Having experience of 3 to 4 years, I've also worked in stock market that could enhance your practical approach towards the same subject. Paper 1 के साथ आपको देखने के लिए मिलेंगे अलग अलग दूसरे subjects, जो कि बहुत सारे अलग अलग subjects के अपन बात कर रहे हैं, commerce, English, other subjects are there. आपको एक ही जगह इन सारे subjects का मिलने वाला है access. Plus की अगर अपन बात करते हैं तो plus में आपको live classes, quiz sessions, structured courses, unlimited access देखने को मिलता है बहुत सारी amenities का। सो गाइज, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू टेक द एडवांटेज आउट ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। आप अपना रिक्वायरमेंट दे सकते हैं कि किस तरीके के सब्जेक्ट्स के लिए आपको रिक्वायरमेंट है एंड टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड हेलो इंदु। आइकॉनिक की अगर अपन बात करते हैं तो पर्सनलाइज गाइडेंस अपन को देखने के लिए मिलेगी, और पर्सनलाइज गाइडेंस गाइडलाइंस आपको डिटेल्ड एनालिसिस आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड प्लस आपको इंटरेक्टिव सेशंस देखने के लिए मिलेंगे। स्पेशल पे अपन बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस को कैरी ऑन कर रहे हैं, सो प्लीज डू अटेंड दो सेशंस एज वेल, क्योंकि वो आरपीएससी के क्वेश्चंस के थ्रू आपकी करवा रहे हैं बहुत सारी प्रैक्टिस, और यहाँ पे अपन रिवीजन ले रहे हैं हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू अटेंड दीज टॉपिक्स, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर सो लाइक अ प्रोमिनेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अपन सब्सक्रिप्शन प्राइसेस की बात करते हैं तो वो होने वाले हैं इंक्रीज। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू टेक दी एडवांटेज आउट ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन, और 10-10% का डिस्काउंट लेना बिल्कुल ना भूले, जो कि आपको मिल सकता है नागरा 10 से। नेक्स्ट अपन आइकॉनिक की बात करते हैं तो आगे आइकॉनिक में भी आपको सेम देखने के लिए मिल रहा है, नागरा 10 का यूज करने के बाद आपको मिलता है 10% डिस्काउंट, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस पेपर, और सबसे बेस्ट क्वालिटी जो देखने के लिए मिलती है स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल की। स्ट्रक्चर स्केड्यूल की जब अपन बात करते हैं तो अपन को देखने के लिए मिलता है कि भाई आपको प्री प्लान सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो फिर आप बात करोगे बूस्टर सेशंस की, डाउट सॉल्विंग सेशंस की, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको देखने के लिए मिलेगी, इन अप्रोप्रिएट कंटेंट आपको कहीं भी देखने के लिए मिलता है तो यू कैन मेक क्लेम ओवर इट, ठीक है। तो स्पेशल क्लासेस में जो भी आपको नए फीचर्स मिल रहे हैं इंटरैक्टिव क्लासेस बनाने के लिए, यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर द अपकमिंग क्लासेस, और लेक्चर नोट्स देखने के लिए मिलेंगे एनी टाइम एनी वेयर यू डू हैव एक्सेस फॉर द सेम। पीवाईक्यू सेशंस की अगर अपन बात करते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेंगे इंपॉर्टेंट सेशंस, जो कि 20 सेशंस मैंने डिटेल्ड एनालिसिस करवा चुकी हूं मैं पीवाईक्यू का, इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूं। 12 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं पेपर 1 में, और आरपीएससी का अपना 4th सेशन होने वाला है मंडे को, तो काइंडली गो थ्रू दोज पार्ट्स। गुड इवनिंग सोनाली, एंड प्लीज डू हैव एडवांटेज आउट ऑफ द रिकॉर्डेड स्पेशल क्लासेस विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू रिगार्डिंग द सेम। फी रेनीस थ्योरीज की अपन बात करते हैं तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि फी रेनीस थ्योरीज की अपन बात करते हैं तो दिस इज मॉडल रिगार्डिंग द ड्यूअल इकोनॉमी, ठीक है। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ विच थ्योरी, किसका एक्सटेंशन है, किस थ्योरी की चर्चा करता है फी रेनीस, कोई बता सकता है इन द कमेंट बॉक्स। कि अगर अपन पूछते हैं, सम पीपल आर देयर ऑन द लाइव चैट, स्टूडेंट इज देयर, इंदु इज देयर, सोनाली, कैन एनीबडी टेल मी, जब अपन बात करते हैं फी रेनीस का तो ये किस थ्योरी की एक्सटेंशन की बात कर रहा है, कौन सी थ्योरी की एक्सटेंशन की बात कर रहा है? किसी का इंप्रोवाइज वर्जन लेके आई थी क्या फी रेनीस थ्योरी? कैन एनीबडी टेल मी रिगार्डिंग द सेम इन द कमेंट बॉक्स। जब अपन फी रेनीस की बात करते हैं, ड्यूअल इकोनॉमी, वेरी गुड सोनाली, लुईस की बात करते हैं, यहाँ पे टू इकोनॉमिस्ट जॉन फी एंड गुस्ताव रेनीस, ठीक है, इन्होंने प्रेजेंट की थी ये थ्योरी। जो भी फ्लॉज या फिर जो भी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस लुईस के द्वारा नहीं दिया गया था उनके ऊपर काम किया था फी रेनीस ने,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अपन जिस भी पॉइंट पे अटेंशन नहीं दे पाए थे उस पे काम किया था फी रेनीज ने। नेक्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं कि अपन जब ड्यूअल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से अपन इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, हेलो हर्षवर्धन, ठीक है, इंक्रीज किस तरीके से अपन इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, कि एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरीके से वुड बिकम द हेल्पफुल इन प्रमोटिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, ये किस तरीके से होगा अपन को देखने के लिए मिलेगा, प्रमोट कर रहे हैं ना जो इंडस्ट्रियल सेक्टर, कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर से अपन लेबर को ट्रांसफर कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ये चीज अपन को चर्चा में आ गई थी लुईस थ्योरी में भी, लेकिन इन्होंने अपन को क्या बताया कि किस तरीके से अपन इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, हाय स्वीट निधि, इसमें अपन बात कर रहे हैं कि भाई जो भी अपन को प्रमोट किया जा रहा है, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर से अपन गए, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर से अपन इंडस्ट्रीज के पास गए, ठीक है, ताकि इंडस्ट्रीज में अगर अपन लेबर ट्रांसफर कर देंगे तो प्रोडक्टिविटी गेन होगा। ठीक है, दोनों साइड बेनिफिट होगा, इंडस्ट्रीज में लेबर आ जाएंगे और एग्रीकल्चर में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो माइनस में नहीं रहेगी और जीरो नहीं रहेगी। दूसरी चीज, आप अगर ट्रांसफर करते हो और प्रोडक्टिविटी गेन देखने के लिए मिल रहा है, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, मतलब कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो आप इकोनॉमी को। अगर इंडस्ट्रीज में आप किसी भी तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो तो दैट इज गोइंग टू बी सेल्फ सस्टेन ग्रोथ ना। ठीक है, आप अगर किसी जगह काम कर रहे हो और वहां पे कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो तो यू आर गोइंग टू बी सस्टेन्ड ओवर दैट प्लेस। ठीक है, तो आपको वहां पे सस्टेन रहने के लिए यू हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट इन एनी सेंस। ठीक है, तो वही बात की जा रही है फी रेनीज के द्वारा। तो चार पॉइंट अपन ने यहाँ पे स्टडी किए हैं। पहली तो अपन ने एक्सटेंशन की बात की, किसकी एक्सटेंशन है, लुईस की एक्सटेंशन है। फिर प्रमोशन की बात की कि किस तरीके से अपन प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करेंगे। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इनहेंस मतलब एग्रीकल्चर से लेबर अगर इंडस्ट्री में आए हैं तो कहीं ना कहीं प्रमोशन हुआ है किसका, दोनों सेक्टर का बात करेंगे क्योंकि प्रोडक्टिविटी देखने के लिए मिल रही है। अब सेल्फ सस्टेन क्यों रहेगा, क्योंकि आप अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वो एक टाइम के बाद यू आर नॉट मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन एनीवेयर, तो आप क्या करोगे कि कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं यार, इसको हटाया भी जा सकता है। लेकिन इफ यू आर मेकिंग प्रोग्रेसिव कॉन्ट्रीब्यूशन इन एनी सेक्टर, तो कोई भी सेक्टर आपको क्यों निकालना चाहेगा, यू आर गोइंग टू हैव द सेल्फ सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ ना। ठीक है, तो वही चीज अपन यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अपन बेसिक अजम्पशन थीसिस, यहाँ पे मॉडल लेने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अबंडेंस की बात की जा रही है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ जहां पे हाई है वहां पे बात की जा रही है, जहां पे मास अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलता है, और मास अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, यूटीसीज मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। मास अनएम्प्लॉयमेंट की बात अगर अपन करते हैं तो अनलिमिटेड सप्लाई अपने आप ऑटोमेटिकली हो गया ना, जो लुईस ने स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, फिर मेजर शेयर ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडल्ज होता है। जब अपन अंडर डेवलप कंट्रीज की बात करते हैं या डेवलपिंग कंट्रीज की, द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन विच हैज बीन प्रोवाइडेड ओवर देयर वो किसके द्वारा होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर। जीरो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे अजम्पशन थीसिस है इस मॉडल का कि भाई आप या तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपकी जीरो होगी। ठीक है, या तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जीरो या फिर नेगेटिव। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई आप जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, आप अपने आप का मतलब अकेले इंसान की प्रोडक्टिविटी मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन देख रहे हो, कहाँ पे देख रहे हो, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रही है बात, कि अपन जब बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कॉन्ट्रीब्यूशन यू आर मेकिंग टू द एनी सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो तो कोई क्यों रखेगा। ठीक है, नेगेटिव दे रहे हो मतलब आप कहीं पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे रहे हो, मतलब पहले वो 200 रुपए की अर्निंग करता था, अब वो 180 की अर्निंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, -20 का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। तो वही चीज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बात करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यस इन एग्रीकल्चर स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अपन डायनामिक इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं इन द इकोनॉमी। डायनामिक इंडस्ट्रियल सेक्टर की अपन बात करेंगे तो यहाँ पे अपन को डायनामिक अपन को चेंजेस के बारे में बोला जा रहा है कि यू हैव टू ऑप्ट फॉर द चेंजेस एज पर यू आर गेटिंग द चेंज एज पर द टाइम सिनेरियो। ठीक है, जो भी आपका टाइम सिनेरियो है उसके बेसिस पे आपको क्या लेकर चलना है कि चेंजेस को ऑप्ट करना है और जो भी फ्लक्चुएशन आ रही है उससे अपन को स्टेबिलाईजेशन बनाना है। अब आते हैं अपन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। ठीक है, कि किस तरीके से डेवलपमेंट होगा, जब लेबर ट्रांसफर होंगे।
अपना मेन मुद्दा क्या है कि अपना एग्रीकल्चर लेवल ट्रांसफर हो गई लेबर कहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। अपना मेन मुद्दा क्या है, मॉडल जो है ये पूरा का पूरा जो मॉडल है फी रेनीस का, उनका मेन मुद्दा क्या है कि भाई आप ट्रांसफर कर रहे हो, वो ट्रांसफर किसी भी तरीके से इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है क्या? अगर यस तो इट वुड बी लीडिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, तभी ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लीड कर रहा है, ठीक है। तो इस स्लाइड पे अपन ने क्या चीजों को नोटिस किया, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, जिसको अपन दूसरी भाषा में अबंडेंस ऑफ लेबर बोल सकते हैं। दूसरी चीज अगर अपन बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की, ऑब्वियसली अनलिमिटेड ऑफ सप्लाई कहां देखने के लिए मिलेगा, जहां पे आपको पॉपुलेशन ज्यादा देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। फिर आप बात कर रहे हो ये चीजें आपको अंडर डेवलप कंट्रीज में जो देखने के लिए मिलेगी, एग्रीकल्चर में वहां पे एंगेजमेंट ज्यादा होता है, ठीक है। अब ये मॉडल क्या सजेस्ट कर रहा है कि भाई एक काम करो, अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपकी ज्यादा नहीं हो रही है एग्रीकल्चर में, तो आप क्या करो इंडस्ट्रियल सेक्टर में उनको क्या कर दो, पास ऑन कर दो। और इफ यू आर ट्रांसफरिंग द लेबर फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो प्रोडक्टिविटी आपको क्या देखने को मिलेगी, इंक्रीज होगी ही होगी, ठीक है। तो ये एज पर दिस मॉडल बताया जा रहा है। तो ये डायग्राम्स आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई आपके पास अगर मान लो इफ यू आर ट्रांसफरिंग द लेबर, ठीक है, आपने क्या कर दिया, अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो लेबर को इंडस्ट्रियल, और इंडस्ट्रीज में वो कंट्रीब्यूशन दे रहा है, इंडस्ट्रीज में उसने दे दिया कंट्रीब्यूशन, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हो अपनी, ठीक है, कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, और आपने जो सरप्लस कमाया है, ठीक है, यू आर अर्निंग द सरप्लस आउट ऑफ इट, तो आप क्या करोगे, नया इन्वेस्टमेंट करोगे ना, जो भी आपने सरप्लस कमाया नया इन्वेस्टमेंट करोगे, नया इन्वेस्टमेंट करवाया तो प्रोडक्टिविटी और ज्यादा गेन होगी, अगेन यू आर इन्वेस्टिंग, ठीक है, दिस इज हाउ यू विल कीप ऑन प्रोसीडिंग, ठीक है, आप चलते रहोगे जब तक आपका सरप्लस आ रहा है, ठीक है। तो आपकी इंक्रीज इन जो आपकी वेजेस देखने के लिए मिल रही है वो रिड्यूस कर रही है आपकी प्रॉफिट्स को। अब इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये देखो एमपी जो है दैट इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। आप एग्रीकल्चर में जब तक थे ना तब तक आपका एग्रीकल्चर सेक्टर क्या बोल रहा है, या तो जीरो है क्या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, या फिर आपका माइनस में है, समझ में आ रही है चीज। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि भाई आप जब एग्रीकल्चर सेक्टर तक हो, ये जो सेक्टर आपको ये सेकंड वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे आपकी जो स्लोप देखने के लिए मिल रही है दिस इज व्हाट जीरो, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ये जीरो है, स्लोप जो है वो आपकी जीरो देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। आप क्या जो जहां पे भी आपको कोई डाउट हो रहा है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम जो देखने के लिए मिल रहा है, इस डायग्राम में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि आपने कंट्रीब्यूशन दिया जी तक, ठीक है, हेलो दिनुप, ठीक है, यहाँ पे आपने जी तक कंट्रीब्यूशन दिया, और जो आपको गैप देखने के लिए मिल रहा है, ये जो ये सरप्लस जो देखने के लिए मिल रहा है, इस सरप्लस का आप क्या करते हो, कोई भी प्रोड्यूसर सरप्लस का क्या करेंगे कि सरप्लस आया है तो एक काम करते हैं अपन इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट किया तो आपने क्या कर दी, प्रोडक्टिविटी रेज कर दी, मतलब इन्वेस्टमेंट करूंगी मैं एक मशीनरी की जगह दूसरी मशीनरी मेरे पास है तो ऑब्वियसली मेरी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी, ठीक है, तो मेरी प्रोडक्टिविटी कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। ऊपर कर्व हो गया तो मेरा इक्विलिब्रियम कहां बन रहा है, टी पर बन रहा है, और एम्प्लॉयमेंट कितना आ रहा है, एफ तक आ रहा है, ठीक है। अगेन आई एम अर्निंग मोर, ठीक है, मेरा ये जो सरप्लस वाला पार्ट है अब मेरे पास और सरप्लस आ गया, और सरप्लस आ गया तो मैं और ज्यादा इन्वेस्ट करूंगी, तो मैं एमपी थर्ड तक शिफ्ट हो गई, मतलब मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, ठीक है, मेरी मशीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट वाला डायग्राम, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड डायग्राम, इसमें आपको बताया जा रहा है कि आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का क्या लेआउट है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब किसी के भी एक एडिशन, जो भी लेबर काम कर रहे हैं, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी दे रहे हैं वो लोग, ठीक है। अगर मेरे फर्म पे जरूरत है 6 लोगों की, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर मेरे पास लैंड है उस पे 6 जनों की जरूरत है और मैंने इंडल्ज कर लिया 7 लोगों को, ठीक है, तो सातवा जो पर्सन होगा दैट इज नॉट मेकिंग एनी एडिशन टू दी एग्रीकल्चरल आउटपुट, ठीक है, तो उसका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे दिखाई गई है, ये जो लेआउट यहां तक दिख रहा है आपको एग्रीकल्चर का, वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है इसकी स्लोप से आप डिटरमाइन कर सकते हो, वो है जीरो। अब जीरो स्लोप कैसे, जो भी अपना हॉरिजॉन्टल स्लोप होता है वो क्या होता है, जीरो स्लोप ना, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है, आगे अगर आप बढ़ोगे, आप और ज्यादा स्लोप खींचते जा रहे हो, जैसे जैसे आपने आउटपुट इंक्रीज कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, यू आर मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आपका एमपी राइज हो रहा है,
किस पॉइंट के बाद में राइज हो रहा है आपका एमपी? इस हॉरिजॉन्टल स्लोप को आप जैसे ही बाईपास करते हो। अब ये राइज होना है, होने क्यों लग गया? ये आपका राइज इसलिए होने लग गया क्योंकि अब आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में लेबर को क्या कर दिया है, शेयर कर दिया है। एग्रीकल्चर में जो सातवां लेबर, पहले छह लेबर रखने का था अपन को, ठीक है, अब सातवां लेबर जो एडिशन अपन ने किया है ना, वो अपन ने क्या किया, एक काम करते हैं यार, ये एडिशन नहीं कर रहा है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बोल देते हैं वो काम कर लेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो जब काम करेगा तो ही इज मेकिंग एनी हाउ कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इंडस्ट्रियल आउटपुट, ठीक है। तो आपका एमपी क्या हो जाएगा, मोर देन जीरो हो जाएगा। वेरी गुड निधि, आपका जो इंडस्ट्रियल आउटपुट क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वो एडिशन वहां पे हुआ ना इंडस्ट्री में, वो सातवां लेबर जब एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में गया तो उसने कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, और कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किया है मतलब उसका एमपी जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो नहीं रहेगा, जीरो से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो रही है चीजें? जहां पे भी जिस भी पॉइंट पे कोई भी डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो, ठीक है। और अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे, सेकंड फेज में अपन ने ट्रांसफर स्टार्ट कर दिया, और ट्रांसफर स्टार्ट करने के बाद आपको एमपी जो है इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। एमपी जो है वो आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, और थर्ड स्टेज में जब अपन जाते हो तो आपका एमपी इतना ज्यादा हो जाता है। एमपी क्या है आपकी, आपने जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, अब आप जो कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो ना, वो कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी सैलरी और आपकी वेजेस से भी ज्यादा है। समझ में आ रही है बात? आप थर्ड फेज, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपको रियलिस्टिक एग्जांपल दूंगी, ये अभी डायग्राम समझा रही हूं मैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट। थर्ड फेज में अपन जब जा रहे हैं तो आपकी जो वेजेस है और आपकी सैलरी से भी ज्यादा आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है। ये जो थर्ड फेज दिख रहा है आपको, तो एमपी इज ग्रेटर देन सीआईडब्ल्यू जो लिखा है, उसका मतलब क्या है, आपकी जो वेजेस है ना उससे भी ज्यादा आप कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। अब देखो, अब आते हैं अपन इस पॉइंट पे कि भाई अगर आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो गया है तो वो क्या लीड करेगा, सरप्लस लीड करेगा, क्योंकि ये फायदा किसको हो रहा है, प्रोड्यूसर्स को हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, कमर्शियलाइजेशन की वजह से हो रहा है। समझ में आ रही है चीज? जहां पे आप डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को फुलफिल किया करते थे, कहां पे, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, अब वो किस पॉइंट की तरफ आ गया, पॉइंट ऑफ कमर्शियलाइजेशन। और वेन एवर वी डू टॉक अबाउट कमर्शियलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस को यूज में लेना, ठीक है, मार्केट फोर्सेस का फुल इफेक्ट में आना। समझ में आ रही है बात? मार्केट इफेक्ट का फुल इफेक्ट में आने का मतलब है आप कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन लीड कर रहे हो, और कॉम्पिटिशन से क्या आता है, इफिशियंसी आती है भाई। आपको पता है ना कि अगर फॉरेन कंट्री आकर आपके यहाँ पे कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रही है जिसकी वजह से आपकी डिमांड जा सकती है, तो यू वुड स्टार्ट परफॉर्मिंग सो गुड, और इतना अच्छा परफॉर्म करोगे ना कि आपकी फुल ऑन इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी लाकर आप सामने रख दोगे। तो दिस इज हाउ मार्केट फोर्सेस वर्क्स। समझ में आ रही है कि कमर्शियलाइजेशन क्यों इफेक्टिव है, क्योंकि आपको इफिशियंसी देखने के लिए मिल गई, ठीक है, और वो आपका रिजल्ट जो आया है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को कर दिया आपने, हटा दिया पिक्चर से, और आप पॉइंट ऑफ कमर्शियलाइजेशन की तरफ लीड कर गए। समझ में आई बात? तो ये पॉइंट आपको देखने के लिए मिल रहा है कि ये दिस वॉज द इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस थियरी, ठीक है, आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये इंप्रूवमेंट है आपकी थियरी का। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, आई होप द डायग्राम इज क्लियर। नहीं क्लियर है तो प्लीज डू लेट मी नो अबाउट इट। जब फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं तो अपनी वो फर्स्ट स्टेज ऐसी थी जिसमें डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे अपन, मतलब यहाँ पे अपन सोच रहे हैं कि वी हैव टू ट्रांसफर द जो लेबर है टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, और वो इंडस्ट्रियल सेक्टर अपन कहा, उसी वेज पे अपन ट्रांसफर करने का सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि जो लेबर अपने यहाँ पे काम करते हैं, यस, बिजनेस जहां पे स्टार्ट होता है वही अपना कमर्शियलाइजेशन होता है, ठीक है। अब देखो, ये जो अपन फर्स्ट स्टेज है वहां पे अपन अपनी वेज पे क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं लेबर को, जो अपन ने ट्रांसफर किया है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। समझ रहे हो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एक बात बताओ, आप एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हो, वहां पे कुछ इतना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, और आपको कोई ऑफर आ जाता है कि भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर भी आपको उतनी ही सैलरी देगा, तो वुड यू बी एबल टू डू वर्क, ठीक है, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि आपको आराम वगैरह मिल रहा है, ठीक है, वहां पे। तो आप आराम करते करते सेम वेजेस के ऊपर ना जाके आप क्या करोगे, इफ दे आर इंक्लाइनिंग द सैलरी, ये बात जो की है ना कि आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ये बात किसने की है, ल्यूइस ने इसका चर्चा किया है,
ठीक है कि 30-40% आपका ज्यादा होना चाहिए इफ यू आर शिफ्टिंग टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड स्टेज फी रेनीज थ्योरी की। कंपैरिजन में बार बार इसलिए कर रही हूं ताकि लुईस की थ्योरी के भी थोड़े थोड़े आउटकम्स आपके दिमाग में आने लग जाए। अब पॉइंट नंबर टू और स्टेज नंबर टू की जब अपन बात करते हैं, इसमें क्या बात हो रही है कि जो भी अपना एवरेज प्रोडक्टिविटी है दैट इज मोर देन, क्योंकि अभी अपन ने ज्वाइन किया है, किसको ज्वाइन किया है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, इट इज नॉट इक्वल टू द सब्सिस्टेंस लेवल। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि आप कॉन्ट्रीब्यूट तो कर रहे हो, एमपी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन तो पॉजिटिव हो रहा है। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री में जाने के बाद आपने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया हो, कॉन्ट्रीब्यूशन तो किया है लेकिन वो आपके वेज जितना नहीं किया, जितना आपको मिल रहा है ना उतना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसलिए आपका एपीएल जो है दैट हैज बीन शोन ग्रेटर देन दी एमपीएल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर कि इसमें आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, आप हो गए ट्रांसफर, आप हो गए माइग्रेट इंडस्ट्रियल सेक्टर और वो सिचुएशन चल रही है आपकी, और ये तब तक चलेगी जब तक आपका जो प्रोड्यूस, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो कितना लेवल तक, जितना आपको मिल रहा है एटलीस्ट उतना तो कॉन्ट्रीब्यूट करो जितना आपको मिल रहा है, तो दैट वुड बी द एंडिंग ऑफ द सेकेंड स्टेज। ठीक है, सेकेंड स्टेज का एंडिंग कहां होगा कि आपने उतनी प्रोडक्टिविटी दिखा दी है भाई साहब जितना आप अर्निंग कर रहे हो, अब मेरी प्रोडक्टिविटी हो रही है ज्यादा, और वो प्रोडक्टिविटी कहां ज्यादा हो रही है, वहां पे आपको थर्ड स्टेज में आपको देखने के लिए मिल रहा है। थर्ड स्टेज में क्या है कि अब आप सरप्लस लाकर दे रहे हो, किसको सरप्लस लाकर दे रहे हो, इंडस्ट्री को, आपको देखने के लिए मिल रहा है कि भाई आपको लिविंग फॉर, हाँ यस वेरी गुड अमेजिंग स्टूडेंट। ठीक है, सरप्लस लाकर दे रहे हो। अब आपने जो थर्ड स्टेज पता है क्या है कि अब आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो इंडस्ट्रियल सेक्टर में, अब आपने कंट्रीब्यूशन देना स्टार्ट कर दिया है, किसको कंट्रीब्यूशन देना स्टार्ट कर दिया है, प्रोड्यूसर को, इन द फॉर्म ऑफ सरप्लस। सरप्लस क्यों बोला मैंने यहाँ पे, क्योंकि आपका अब जो है ना एमपी ज्यादा हो चुका है इन कंपैरिजन टू एपीएल। समझ में आ रही है बात? यस वेरी गुड इंदु, अमेजिंग फॉर द नॉर्मलाइज्ड टर्मिनोलॉजी। आपको ये जो टर्मिनोलॉजी इंदु ने लिखी है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत ही सही टर्म यूज किया है। यहाँ पे सेकंड स्टेज का एंड होता है यहाँ पे। ठीक है, थर्ड स्टेज की अपन बात करते हैं, तो थर्ड स्टेज में अपन को क्या देखने के लिए मिलता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर वुड बी ग्रेटर देन दी वेज रेट। मतलब आपको जितना मिल रहा है, आपको 10 रुपए मिल रहे हैं तो आप 12 रुपए जितना काम कर रहे हो, और 12 रुपए जितना काम कर रहे हो तो ये सरप्लस किसको मिल रहा है, प्रोड्यूसर्स को मिल रहा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ ये चीज आपकी कमर्शियलाइज सेक्टर बन चुका है अब। ठीक है, तो लेबर आप कौन सी सिचुएशन से आए थे, यहाँ पर आप आए थे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वाले सेक्टर से, आप कहां पे आके खड़े हो गए, कमर्शियलाइज सेक्टर की तरफ आकर खड़े हो गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इट इज लीडिंग टू द सेल्फ सस्टेन। अब एक बात बताओ, आप प्रॉफिट किसी के लिए कमा कर दे रहे हो तो आपकी जॉब और आपका जो वर्किंग पोजिशन और आपकी इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूशन वो तो सस्टेन ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। ठीक है, वो तो सस्टेन हो गया लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि यू हैव बिकम सो इन्फ्लुएंशियल या फिर आप बेनिफिशियल फॉर दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल फील्ड। ठीक है, तो ये चीज प्रॉफिटेबल हो गई, ये कब हुई, जब आपने कमर्शियलाइज सेक्टर को ऑप्ट किया। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल अपन रियल लाइफ में भी ले सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में अपन बहुत सारे ई कमर्स के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर आ चुका है। ठीक है, जो अपन बहुत सारे बिल्स भी लाए हैं, ट्रेडिंग अपन ई प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारा कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज एनी हाउ लीडिंग टू द कमर्शियलाइजेशन, एवरीथिंग इज बिकमिंग व्हाट, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जहां पे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो वॉक एंड टॉक नहीं कर सकता, किसके बिना नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर के बिना। ठीक है, अब जो ऑनलाइन पोर्टल ये खुल गया है एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब फार्मर्स के लिए विंडो खुल गई है कि मेरे पास 500 डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, कंज्यूमर के पास विंडो खुल गई है कि भाई मेरे को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कोई भी अब मतलब ट्रांसपेरेंसी ही देखने के लिए मिलेगी, कोई भी मुझे फेक लाइक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे सकता है, जो भी अपन खरीदेंगे नॉमिनल अकाउंट में खरीदेंगे, तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर बोथ। ठीक है, इकोनॉमी साइड से अपन को क्या बेनिफिशियल मिलेगा कि भाई कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है ना सप्लायर साइड से कि आपको इफिशियंसी देखने के लिए मिलेगी इकोनॉमी के जो भी रिसोर्सेज है उनकी यूटिलाइजेशन में।
हर एक तरीके से ये फायदे वाला सौदा है, फुल ऑन इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है। ठीक है, फुल ऑन इक्विलिब्रियम क्यों बोला मैंने, क्योंकि इकोनॉमी को इफिशियंसी मिल रही है, एग्रीकल्चर को कंपटीशन मिल रहा है। ठीक है, कंपटीशन से उनको मतलब ग्राहक मिल रहे हैं ना भाई, पहले उसके पास एक दो ग्राहक हुआ करते थे, ठीक है, अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही हैज ह्यूज ग्राहक। ठीक है, नेक्स्ट अपन कंज्यूमर की बात करते हैं, तो वो क्या कर सकता है, कंज्यूमर बेस्ट प्राइस पे डिटर्मिनेशन कर सकता है अपने सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दिस इज हाउ फ्रॉम एवरी डायमेंशन वी आर गेटिंग द बेस्ट आउटकम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ठीक है, तो आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर। अब शॉर्टर वर्जन में मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि भाई फर्स्ट फेज में आपका एमपीएल जीरो की बात की गई थी, धीरे धीरे आपने मूव किया फेज टू की तरफ, तो एमपीएल आपका क्या हो गया, जीरो से ज्यादा हो गया था। ठीक है, लेकिन आपकी वेज से है कम। ठीक है, दे एग्जिस्ट द ओपन और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आपको अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट दिखाई देती है। नेक्स्ट आप फेज थ्री की बात करते हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी आपकी ज्यादा हो जाती है, किससे, वेजेस से। नाउ यू हैव स्टार्टेड मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फर्म सिनेरियो। ठीक है, फिर आप क्या बात करते हो, फुल्ली कमर्शियलाइजेशन की बात कर रहे हो, और आप डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज एग्जॉस्टेड। समझ में आ रही है बात आपको, आप जब थर्ड फेज पे आ जाते हो तो आपका डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वाला सिलसिला अब एग्जॉस्ट हो चुका है, वो लाइमलाइट से जा चुका है बाहर, क्योंकि वो आप कॉन्ट्रीब्यूशन देने लग गए हो इंडस्ट्रीज को, अब गलती से भी वो आपको हटाने के बारे में नहीं सोचेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बिकम सप्लाई ऑफ द लेबर कर्व बिकम स्टीपर। ठीक है, तो आपको क्या स्टीपर का मतलब, आपको ये जो सप्लाई कर्व स्टीपर का मतलब इंक्रीजिंग आपका देखने को मिल गया है, आपको जो इंप्रूवमेंट्स बताए, इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन, प्रोडक्टिविटी का राइज किस तरीके से होगा सोनाली, वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है लुईस में। आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि वेजेस ज्यादा होगी, सरप्लस होगा, आप इन्वेस्टमेंट करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो यू वुड बी एबल टू कोप विद इट। यहाँ पे हर एक स्टेज वाइज आपको फी रेनीज का आउटकम समझाया गया है, आपको कब तक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है वो समझाई गई है, सेल्फ सस्टेन ग्रोथ रेट अपन किसको डिनोट करेंगे वो बताया गया है। ठीक है, तो एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन सो थरली ओवर दिस, दिस इज ओनली द इम्प्रोवाइज्ड वर्जन ओवर हियर। समझ में आ रही है चीज, ये आपका सिर्फ इम्प्रूवमेंट है इस थियरी का, ये जो इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है, इसने एक्सप्लेन किया है कि भाई इंक्रीज जो हुई है प्रोडक्टिविटी वो किस तरीके से हुई है। ठीक है, बहुत थरली एक्सप्लेन किया है हर एक चीज को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्रिटिसिज्म की, यहाँ पे क्रिटिसिज्म दिए गए हैं कि भाई एक बात बताओ कि आपका जो रेनीज विल नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, आप जब बात करते हो हाँ जी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, आईआईटी से कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में भी कर सकते हो। ठीक है, आईआईटी से पीएचडी हो सकती है। ठीक है, ह्यूमैनिटीज नाम से अलग से डिपार्टमेंट है वहां पे, यू कैन गो फॉर दैट, यू कैन इजीली ऑप्ट फॉर इट। अब जब अपन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की बात करते हैं इन फेज वन, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि कई बार आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो आप बार बार में बोल रहे हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एमपी इज इक्वल्स टू जीरो रहता है, इट इज नॉट नेसेसरी। इसने थोड़ा सा लेआउट बताया जहां पे शेयर क्रॉपिंग होगी, जहां पे शेयर क्रॉपिंग देखने के लिए मिलती है वहां पे एमपी जीरो से कैसे काम चलेगा। ठीक है, आपका डिविजन ऑफ वर्क जहां पे देखने के लिए मिल रहा है, मान लो आपको डिनोट कर दिया कि ए जो फील्ड है उस पे एक पर्टिकुलर पर्सन को काम करना है, बी को किसी और फर्म पे काम करना है, सी को किसी और फर्म पे काम करना है, वहां पे एमपी इज इक्वल टू जीरो से कैसे काम चलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज नॉट जीरो, ऐसा किसने बोला है, जॉक्सन ने बोला है। क्यों बोला है, क्योंकि इन्होंने खुद ने स्टडी की है ड्यूअल इकोनॉमी पे, ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कि भाई ड्यूअल इकोनॉमी किस किस इकोनॉमी से रिलेटेड है, क्या वो जॉक्सन है, क्या वो फिरेनीज है, और आपको लुईस देखने के लिए मिलता है, फोर्थ ऑप्शन वुड बी व्हाटसोएवर इट वुड बी। ठीक है, आपको फोर्थ ऑप्शन कोई भी दे देंगे, मर्डल की बात कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी जरूर जरूर, ऑब्वियसली निधि। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एमपीएल जीरो नहीं देखने के लिए मिलता है, ऐसा बोलते हैं जॉक्सन, और सप्लाई ऑफ लैंड कैन बी इंक्रीज इन केस ऑफ लॉन्ग रन,
आपको बोला गया है कि भाई अपन सब मेरे पास जितना भी लैंड है, और मैं लॉन्ग टर्म में तो सोच ही सकती हूँ ना कि आई शुड आई कैन आई एक्सटेंड द लिमिट ऑफ माई लैंड, ठीक है। कमर्शियलाइजेशन की जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि अपन ज्यादा शिफ्ट करेंगे ना लेबर को, बार हर एक लेबर एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाने का सोच लेंगे तो क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई आने की नहीं सोचेगा, शॉर्टेज हो जाएगा सप्लाई साइड से, और शॉर्टेज हो गया तो वो इन्फ्लेशन को लीड कर देगा। समझ में आ रही है चीज। नॉर्मली आज अपन कोई भी क्रिटिकल एनालिसिस भी करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई रहने की नहीं सोचता है, ठीक है। तो वो अगर वैसी सिचुएशन अगर आ जाती है, अपन इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं इस सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि हर एक इकोनॉमी में, दिस इज, अपन बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, सिंगापुर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसराइल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, दे आर सो इफिशियंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नो बडी वॉन्ट्स टू कम इन टू दिस सेक्टर, ठीक है। इट इज जस्ट अबाउट ट्रेडिशनलिज्म, और इट इज जस्ट अबाउट कि आपका एमपी शुड नॉट बी जीरो, ठीक है। आप जब बात करते हो शिफ्ट होने की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर शॉर्टेज आ जाता है वो किस कंडीशन में आएगा, जब आपको कमर्शियलाइजेशन, आपको किसी भी तरीके से प्रॉफिट ओरिएंटेड कंडीशन नहीं देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो शॉर्टेज आपको सप्लाई कम देखने के लिए मिलेगा, और सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन तो होगा ना। सप्लाई जब अपना कम होता है तो सप्लाई कम होने का इम्पैक्ट प्राइस पे क्या पड़ता है भाई, इट इज गोइंग टू रेज द प्राइस, ठीक है। तो आई होप द थिंग्स इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम मतलब विद रेस्पेक्ट टू द फियर एंड ईज थियरी, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन जस्ट रेज द डाउट। कोई भी रिक्वायरमेंट है, ये भी किसी एक स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही बनाया है मैंने लेक्चर, तो प्लीज डू गिव द रिक्वायरमेंट्स कि क्या आपको जरूरत है, तो आप रिकमेंड कर सकते हैं कोई भी टॉपिक, और आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप नागरा 10 इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट से मेरा ग्रुप है, तो यू कैन ज्वाइन द ग्रुप, ठीक है। और बहुत ही प्रोडक्टिव डिस्कशंस देखने के लिए मिलते हैं इस ग्रुप में गाइस, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू टेक द पार्टिसिपेट इन दिस ग्रुप, ठीक है। और बिलीव मी, जो भी इकोनॉमिक्स के हैं, पेपर वन के हैं, दे आर गोइंग टू गेट अलॉट एडवांटेजेस आउट ऑफ इट। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो भी दिक्कत है, किसी को कोई डाउट है, तो दे कैन रेज द डाउट्स। जेआरएफ के बाद आप नॉर्मली पीएस किस सेंस में पूछ रहे हो निधि? अगर हो पाया तो आई वुड डिलीवर अ एंटायर वीडियो ऑन दिस पार्ट, ठीक है। इफ इट वुड बी पॉसिबल तो मैं ये एक वीडियो आपको दे दूंगी, ठीक है, डिलीवर कर दूंगी, जेआरएफ के बाद का प्रोसेस क्या रहता है, ठीक है। तो दिस वुड बी क्वाइट बेनिफिशियल, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हेलो ऐश, and thank you so much to all of you.